नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपने कल के लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सूचना दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरओ एआरओ के लिए टारगेटेड तरीके से तैयारी हम लोग निबंध की और साथ ही साथ आपकी हिंदी ऑब्जेक्टिव की तैयारी, जो कि प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, उसकी एक बेहतरीन तरीके से फोकस्ड वे में तैयारी करा रहे होंगे। और इसके लिए हम लोग एक वीडियो सीरीज शुरू करने की बात किए थे। आज का ये वीडियो हमारा उसी सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग आपको न केवल ऐसे कोटेशंस जो कि आपके मेंस की परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो पर डे बेसिस पर एक एक करा रहे होंगे, साथ ही हम लोग प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों में पूछे जाने वाले शुद्ध अशुद्ध शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी भी करा रहे होंगे। इसी प्रकार देखें तो केवल मेंस में एक पूछा जाता है केवल प्री में जो पूछा जाता है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, उसको भी हम लोग डेली बेसिस पर तीन तीन के हिसाब से देख रहे होंगे। आप ये मानिए कि अभी इसकी संख्या जरूर कम है, पर ये क्रमशः इसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहेंगे। अभी आप देखिए तो ये डेली बेसिस पर इसी को तैयार कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, अपने आप में एक टफ टास्क है, पर जैसे जैसे हम लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसमें मैच्योर भी होते जाएंगे और इस प्रकार से हम लोग की याद करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, तब हम लोग इसकी संख्या ज़रूर बढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट जो है कि प्रशासनिक शब्दावली वहाँ पर पूछी जाती है 20 नंबर की, वो भी हम लोग अभी कराते ले चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्री के बाद इसको कंप्लीट कर पाना मुश्किल रहता है। इसी प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि आपकी जो आपका आरओ एआरओ की परीक्षा में 10 नंबर की और अपर पीसीएस की परीक्षा में 30 नंबर का वेटेज रखता है, इसको भी हम लोग आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चल रहे होंगे। वीडियो के माध्यम से इसको, ये ऑलरेडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दिया जा रहा था, परंतु वीडियो के माध्यम से कराने का मकसद यही था कि हम लोग इसकी इस पर आप लोगों को कुछ याद करवाने की भी कोशिश करें, और साथ ही साथ जैसे मुहावरे हैं या फिर और भी कुछ चीज़ों का अर्थ है या कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, जैसे ऐसे कोटेशन है तो उसका कुछ संदर्भ भी समझाएं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग आज के अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से देख रहे होंगे, शुरू कर रहे होंगे। तो चलिए आज के जो पहला वीडियो है इसमें हम लोग अपना जो हमारा ये पीडीएफ है, पीडीएफ के बेसिस पे आपको अभी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, वो उस आप पीडीएफ को पढ़िए और साथ ही इस वीडियो को देखिए, उससे आपका डेली बेसिस पे हिंदी के आप बहुत बेहतरीन तैयारी केवल एक घंटे के भीतर ही कर लेंगे और ये निश्चित तौर पे आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इस वजह से हो गया क्योंकि मुझे पहले वीडियो होने के नाते ये सारी बातें आपको समझानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि ऐसे का एक कोटेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है, ये देखिए आपका मुनव्वर राणा साहब का शेर है और यह है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। अब देखिए कि एक आंसू भी हुकूमत मतलब आपका जो शासन व्यवस्था है, शासन है उसके लिए कहा जा रहा है, सत्ता जो है, तो शासन व्यवस्था के लिए एक आंसू भी खतरा है और तुमने देखा नहीं कि आंखों का समंदर होना, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू बह गए तो उसको तुमने नहीं देखा, मतलब इसका यहाँ पर ये है, इसका आप इस संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपका कोविड वेव आपकी आई, कोविड वेव में आपने देखा कि तमाम लोग, हजारों लोग जो है वो पैदल अपने घर से और जो है मतलब अपने कार्यक्षेत्र से अपने गृह क्षेत्र में जाने को मजबूर हुए थे, तो वो एक देखिए वहाँ पर लोगों की पीड़ा आप डायरेक्ट वे में देख सकते थे या फिर वो नोटबंदी की लाइन में आप देख सकते थे, तो कहीं ना कहीं अजब उसको एक सरकार के स्तर पर असंवेदनशीलता भी कहेंगे कि वो जो है लोग इतने जो पैदल चलने को मजबूर थे, तो वहाँ पर ऐसे संदर्भों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कहीं पे अगर मान लीजिए कि भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र है कि मतलब वहाँ पर राजनीति जो है वो भ्रष्ट है या असंवेदनशील राजनीतिक तंत्र है, ऐसा आपके निबंध में कहीं पर भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल आए तो आप उसको वहाँ पर ये वाला संदर्भ डाल दीजिएगा, ये वाली आप शेर या वाला डाल सकते हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, तो ये आपका शेर है। उसके बाद देखिए कि शुद्ध अशुद्ध शब्द पे अगर हम लोग आए तो जो सबसे पहला शब्द है वो है ज्योत्सना। हम लोग इसको बोलने में भी अक्सर गलत प्रयोग करते हैं, हम लोग ज्योत्सना ना बोल के बल्कि ज्योत्सना बोलते हैं, तो वो जब बोलते ही वही हैं तो फिर लिखेंगे भी वैसे ही, इसीलिए यही कारण है कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, ज्योत्सना में स जो है वो आधा ही बनेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए।
अगला वर्ड है कि जात्याभिमान, मतलब जाति का अभिमान। आपको पता है कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा कॉमन है, जो भी जिस भी जाति से है उस वो अपने आप को एक उसके मन में अभिमान की भावना होती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके मन में एक अहंतावादी रवैया उसका आप देख ही सकते हैं। तो वही जो है जात्याभिमान, यहाँ पर ये शब्द है। अब ये जाति और अभिमान शब्द से मिलकर बना है, तो यहाँ पर सभी लोग एक कॉमन ये समझते हैं कि इनमें जो है जात्या में बड़े आ की मात्रा होगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये जाति अभिमान होता है, मतलब यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद देखिए एक वर्ड है तिलांजलि। तो देखिए तिलांजलि हम लोग बोलने में यूज करते हैं इसको, तो जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, तिलांजलि बोलते हैं तो तिलांजलि ही लिखेंगे, परंतु ये तिलांजलि भी गलत है। क्योंकि आप जैसे देखेंगे कई लोग अंजलि लिखते हैं, कई लड़कियों का नाम भी होता है अंजलि, तो अंजलि जैसे शब्द है तो वो अंजलि उसमें भी लोग बड़े ई की मात्रा यूज कर देते हैं, पर वो भी गलत है। अंजलि जो है वो उसमें भी छोटे ई की ही मात्रा यूज होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तिलांजलि में भी तिलांजलि होता है, यानी छोटे ई की मात्रा ही यूज होगी उसमें। इसी प्रकार से अब हम लोग इधर आए तत्सम तद्भव में देखें, तो देखिए तद्भव शब्द है ढीठ, कि भाई तुम बहुत ढीठ हो, तो ये ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट। जैसे आप कोरोना काल में आप लोग सब लोग घर पर बैठ के और रामायण महाभारत देखे होंगे, तो उसमें अक्सर जो है वहाँ के पात्र चरित्र ये बातें बोलते थे कि तुमने ये धृष्टता कैसे की। तो वो धृष्ट जो है वो यहाँ पर ढीठ से ही संबंधित है, यानी जो किसी बात में बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, एडमेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ढीठ या धृष्ट। अकल, तो भैया अकल नहीं आएगी तुम्हें, अकल हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं उसको, ये अकल नहीं होता, ये अक्ल होता है। तो ये अक्ल जो है ये आधा का बनेगा, इसको ध्यान रखिए। सॉरी, ये मतलब आपका जो अक्ल होता है ये आपकी शुद्धता से, यानी शुद्ध अशुद्ध के लिहाज से भी देखिए तो अक्ल होगा। और साथ ही इसका जो तत्सम है, यानी जो ओरिजिनल वर्ड है, यानी जो जिस शब्द से ये बना है, जो इसका संस्कृत वर्ड है, वो है अक्ल। और अक्ल जो है वो देखिए तो उसको हम लोग सरल करने में, तद्भव का मतलब आप समझिए कि किसी भी कठिन वर्ड को हम लोग सरल भाषा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी में उसका उद्भव हो गया, तद्भव यानी उससे उद्भव हुआ। तो वैसे अगर देखें तो अकल को आधा का कौन बोले तो पूरा का बोल दिया जाता है, तो उस हिसाब से अकल का आपका तत्सम होगा अक्ल। दीठ, दीठ का तत्सम होता है दृष्टि, यानी दृष्टि को हम लोग सरल बनाते बनाते उसको दीठ भी बोल देते हैं। ऐसा आप लोगों को कई सारे दोहे में मिल जाएगा, जो आप लोग जैसे कबीर या रहीम का दोहा है उसमें आप लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे दृष्टि ना होके वो दीठ ही होता है, तो ऐसे ये मिल जाता है। उसके बाद देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर हम लोग देखें तो पहला है कि जो स्त्री के वशीभूत है, मतलब जो स्त्री के वश में है उसको बोलते हैं स्त्रैण। और ज़्यादातर देखें तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं, क्या ही कहा जाए, पर ऐसा जो है ये कॉमन है, तो जो स्त्री के वशीभूत है उसको स्त्रैण बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, स्त्री से मिलता जुलता है तो बहुत ज़्यादा याद करने में आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी। ये सभी पूछे गए हैं, और कुछ इसमें हम लोग वैसे रेशियो ये रख रहे हैं कि 60 और 40 का रेशियो रख रहे हैं, यानी 60% हम लोग उसमें पूछे हुए शब्द रखते हैं और 40% ऐसे रखते हैं जो कि आपकी मतलब हरदेव बारी या फिर पीएन पांडे या किसी भी ऐसी बुक में लिखा हुआ है परंतु अभी तक पूछे नहीं गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में केवल वही शब्द वही पेपर आए जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है पेपर। ये बात सही है कि काफ़ी हद तक रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु सारे प्रश्न रिपीटेड पूछे जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर एक एक नंबर अर्जित करना है, एक एक नंबर एग्जामिनर्स चुराना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक भी गलती नहीं करनी है। इसलिए आप लोग रिपीटेड के साथ ही नए प्रश्न भी करें। जो लोग केवल रिपीटेड करते हैं, जो लोग केवल घटना चक्र करते हैं, मेरे ख्याल से ये आप लोगों की एक रणनीतिक भूल साबित होगी अगर आप लोग आरओ परीक्षा की गंभीर तैयारी में संलग्न हैं। उसके बाद देखें तो जिसे प्राप्त न किया जा सके तो इसको बोलते हैं अलभ्य, यानी जिसे प्राप्त न किया जा सके वो अलभ्य हो गया। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, तो अनुश्रुति जो है वो परंपरा, अनु मतलब लगा, जैसे अनु का मतलब फॉलो के सेंस में आप समझ लीजिए, और श्रुति मतलब सुनना, तो फॉलो करते हुए जो मतलब बातें परंपरा से सुनती हुई चली आ रही हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो उसको आप अनुश्रुति कह दिया जाता है। उसके बाद देखिए कि शब्द और विलोम, तो विलोम शब्द में देखें तो एक वर्ड है महिमा, महान लोगों की महिमा होती है और लघु लोगों की लघिमा होती है,
तो ये महिमा का उल्टा हो जाएगा लघिमा। फुल फुल का मतलब प्रफुल्ल यानी हैप्पी, या फुल मतलब खिला हुआ आप कह सकते हैं। म्लान का मतलब जैसे कुमलाया हुआ या ऐसा कुछ, तो फुल का हो जाएगा म्लान, ठीक है। और सदेह का हो जाएगा विदेह। ऐसा आप लोगों को कई सारे वर्ड मिलते हैं जिसमें सा आगे लगा होता है तो वो वी हो जाता है। सा का मतलब सहित और वी का मतलब इसके बिना, तो ऐसे ही सदेह का हो जाएगा विदेह। उसके बाद देखते हैं हम लोग, आते हैं महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द में आप लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण है वही वाले दिए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए सांप, जैसे पहला वर्ड है सांप, तो देखिए इसमें सर्प हो गया आपका। सर्प आप लोगों को पता ही है, अही होता है, भुजंग होता है, ये आप लोग बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, अही भुजंग उरग, तो ये सारी चीजें सर्प हो गया, अही भुजंग उरग। उरग मतलब पेट, उर के बल चलने वाला, पेट के बल चलने वाला। तो आप लोगों को पता है कि सांप के पैर तो होते नहीं है तो पेट के बल चलता है, तो उरग हो गया, पन्नग हो गया, उरग से मिलता जुलता पन्नग है, अही भुजंग ये आपको याद करना है। सांप सर्प ये तो सबको पता ही रहता है। उसके बाद देखिए कि अंधेरा, अंधेरा में हम लोग देखते हैं तो अंधेरा का आपको, अंधेरा से अंधकार, ये तो आप लोगों को कॉमन सभी को पता है। उसके बाद देखिए कि आप लोगों ने शक्तिमान सीरियल देखते होंगे, उसमें एक आते थे तमराज किल्विस, उसका जो खलनायक होता था मुख्य खलनायक तमराज किल्विस, तो वो जो तमराज था वो तम राज मतलब अंधेरे का राज, अंधेरे का राजा जो था। तो ये यहाँ पे तम का मतलब है कि अंधेरा आपका, और तम से ही तमस बन गया है, तम तमस, और साथ में तिमिर जो है वो भी उसी से बन गया है। तो तम तमस तिमिर ये तीनों जो है अंधेरा से ही रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए ध्वांत जो वर्ड है, ध्वांत, ध्वांत का मतलब भी अंधकार होता है, अंधेरा होता है, ध्वांत। ये आप लोगों को एक नया वर्ड है जो आप लोग सीख रहे हैं, इसको भी आप लोगों को याद करना है। इसी प्रकार देखिए घमंड, घमंड में आपको पता है दंभ भी इसको बोलते हैं, अहंकार भी बोलते हैं, और दर्प, दर्प आप लोगों के लिए हो सकता है नया वर्ड हो, दर्प का मतलब भी अहंकार होता है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली है, इनमें आप देखिए कि हिंदी से इंग्लिश भी पूछी जाती है और इंग्लिश से हिंदी भी पूछी जाती है। इसमें खास बात यह है कि अगर आप जो है यहाँ पे संकलन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप कंपाइल नहीं लिख सकते हैं उसको, आपको कंपाइलेशन ही लिखना है। इसमें इतनी ज्यादा मतलब आपकी रिफाइंड वे में लिखना जरूरी होता है कि आप इसको कंपाइलेशन में, अगर आप ये आई की जगह ई भी लगा दिए तो आपको पूरा दो नंबर कट। तो इसलिए इसमें बहुत ही फोकस्ड वे में आपको इसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे हम लोग जो डेली बेसिस पे तीन तीन दे रहे हैं, इसको अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपका मेंस आने तक सारे आपके खत्म भी हो जाएंगे और साथ में रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए एज बिफोर देखते हैं कि मतलब एज बिफोर को बोलते हैं पूर्ववत या यथापूर्व। अब इसमें आप एज बिफोर का मतलब ये नहीं लिख देंगे कि पहले जैसे, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। प्रशासनिक शब्दावली मतलब आपको वही लिखना है जो कि स्वीकृत है शासन के स्तर पर, ऐसी कुछ शब्दावलियां शासन द्वारा जारी भी की जाती हैं और कई सारी किताबों में जिसका उल्लेख है। तो एज बिफोर का मतलब पूर्ववत या यथापूर्व दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। कंपाइलेशन का मतलब होता है संकलन, जैसा कि आप लोगों का वार्षिकी अर्धवार्षिकी का संकलन आता है करंट अफेयर्स का। उसी के साथ देखिए अर्नेस्ट मनी होता है, अर्नेस्ट मनी होता है कि मतलब जो एडवांस मनी दी जाती है यानी बयाना जो दिया जाता है वो एडवांस मनी, उसको बोलते हैं संकलन। आपका जो अर्नेस्ट मनी है वो हो गया। लास्ट चीज पे आते हैं तो मुहावरे और लोकोक्तियां। तो देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां जो है वो आपकी पीसीएस में भी पूछी जाती है और यहाँ पर भी पूछी जाती हैं। इनमें ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो मुहावरे और लोकोक्तियां अगर पढ़ लें तो उनका ये 10 नंबर या 30 नंबर एकदम फ्री के मिल जाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो लोग समझते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां आसान है वो वास्तव में एक छल में जी रहे होते हैं, आत्म प्रवंचना के शिकार होते हैं, अपने आप को केवल धोखा ही दे रहे होते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल इसका मतलब नहीं जानना है, मतलब मान लीजिए आप रट भी लें क्योंकि रिपीटेड कई बार पूछे जाते हैं, परंतु इसका जो आपको वाक्य प्रयोग जो आपको करना होता है वो आप लोग बचपन वाला जो वाक्य प्रयोग करते हैं वैसा इसमें नहीं चलता है। इससे भी वो लोग आपके व्यक्तित्व का, आपके विचारों का, आपकी मानसिकता का, इन सभी का मूल्यांकन करते हैं। तो ये एक बहुत कठिन हो जाता है, दो में दो नंबर आपको मुहावरे में मिले ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है, क्योंकि वो वाक्य प्रयोग के हिसाब से आपको जज करते हैं। तो वाक्य प्रयोग आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप लोग उसका मतलब जानते होंगे। यहाँ पे क्या है तो देखिए, एक तो है टांग मारना। टांग मारना का मतलब जैसे टांग अड़ाना बोल देते हैं कि तुम हमारे काम में काहे टांग अड़ा रहे हो, तो उसमें आप समझ लीजिए टांग मारना मतलब बाधा उत्पन्न करना।
किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करना। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी मतलब जैसे आप आपका जो दोस्त दोस्त होता है उसको, वो जो है आपका जूठा भी उसको खाने से कोई गुरेज परहेज नहीं होता है, तो वही स्थिति यहाँ पे है कि दांत काटी रोटी मतलब जो आपकी दांत काटी हुई रोटी भी खा ले, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि घनिष्ठ मित्रता मतलब बहुत ज्यादा जहाँ पे घनिष्ठ मित्रता है उसको बोलते हैं दांत काटी रोटी। उसके बाद देखिए चिराग तले अंधेरा, मतलब जो चिराग होता है यानी जो आपका जो ऐसा कुछ दिया मान लीजिए दिया है या जो भी चीज़ ऐसी रोशनी करती है, तो आप देखेंगे कि वो दिया जो जल रहा होता है उसके नीचे में ठीक नीचे में उसमें अंधेरा होता है, तो उससे इसका मतलब ये निकलता है कि अपने निकट के दोस्त को ना देख पाना, मतलब जो अपना जो हमारे अब वो जो दिया है वो अपने ही अंधकार को नहीं दूर कर पाता है लेकिन दूसरों का अंधकार दूर कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि चिराग तले अंधेरा मतलब आप जैसे मान लीजिए कि आपके घर के एकदम ठीक पास में पावर हाउस का प्लांट लगा हुआ है बहुत बड़ा, उससे पूरे आपके राज्य को बिजली जाती है, परंतु आपके एरिया में ही अक्सर जो है वो बिजली काट ली जाती है क्योंकि वो बिजली दूर के किसी कॉमर्शियल एरिया को दे दी जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम एकदम बगल में हैं लेकिन चिराग तला अंधेरा, चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति है, तो ये इसका एक संदर्भ हुआ। तो ये रहा आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव हिंदी की तैयारी का, और साथ में हिंदी में प्री कम मेंस का जो हम लोग कर रहे थे उसके बारे में है, और बाकी हमारे कुछ अन्य इनिशिएटिव भी चलते हैं जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे आरओ हिंदी का पीडीएफ तो देते ही हैं, साथ ही जीएस के प्रश्न भी डेली बेसिस पर दिए जाते हैं, वीकली एसे की प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाता है, डेली बेसिस पे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका मॉडल आंसर उनका इवेल्युएशन भी किया जाता है फ्री, और उसके साथ ही जो डेली बेसिस पे आपको एसे वगैरह दिए जाते हैं उनका भी फ्री इवेल्युएशन और मॉडल एसे सब कुछ दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें एकदम फ्री हैं, निःशुल्क हैं। आप लोग इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दो टेलीग्राम ग्रुप है हमारे, उन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को क्विज या इस तरीके के तमाम सारे इनिशिएटिव्स आप लोगों को फ्री में अवेलेबल हैं, आप लोग उसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर फलीभूत होगा ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।